आज ही रूम खाली करना होगा। हा? समझ में नहीं आया क्या? तुम्हारे दोनों रूममेट्स को पुलिस वाले अभी अभी उठा कर ले गए। क्योंकि तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई के नाम पर बॉम्ब तैयार कर रहे थे। बॉम्ब? सर बॉम्ब? आई डोंट नो सर। लेकिन तुम उनकी तरह नहीं। तुम्हारे बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, पर फिर भी तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे दोस्तों ने पुलिस को तुम्हारा नाम बता दिया तो पुलिस वाले यहाँ आकर तुम्हें भी उठा कर ले जाएंगे। सर आई डोंट नो हु दे आर, आई एम ओनली स्टेइंग विद देम, दैट्स ऑल आई नो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। अरे जाओ। हमारे प्रजातांत्रिक देश में सही मायने में उत्सव का दिन कहा जाए तो वो चुनाव का दिन होता है। केरला अगले चुनाव प्रक्रिया में है। दो बार हार चुकी LDSN और पिछले 10 सालों से सत्ता में रहने वाली CDFM फिर से आमने सामने है। सत्ताधारी दल से जनता की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए होशियारी से राह देख रही है LDSN, लेकिन उनके सामने सीएम अच्युतम नायर संघ शक्ति के साथ मजबूती से खड़े हैं। पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से सीएम कौन होगा इसे लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है और CDFM के पास कोई प्रभावशाली चेहरा सीएम पद के लिए नहीं है। वैसे तो नेता बहुत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुने इसे लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर में इन दोनों पक्षों ने सीएम पद के प्रभावशाली चेहरे को ढूंढने की जिम्मेदारी दिल्ली के हाई कमान को दे दी। लेकिन दिल्ली की सियासत को लेकर एक कहावत है कि जो भी गुजरा इसने उसी को लूटा। लेकिन अब देखना यह है कि दोनों पार्टियों को जिस प्रभावशाली चेहरे की तलाश है वो चेहरा कौन होगा, किसका नाम सामने आएगा। This is for Anand Krishnan, sir. Madam, I want to meet Rajiv ji. You can't meet him today. Mr. Rajiv is in meditation. अरे कुछ तो अलग बोलो मेरी प्यारी बहना। उनको लकवा मार गया है, पेट में दर्द है। जब से दिल्ली आया हूँ तब से यही सुन रहा हूँ, meditation. Did you say anything? Nothing, sister. Thank you. सर आ गए, लेता हूँ। सर देवदास है। जोसेफ सर, ये कैसी मुसीबत है? मुद्दे पर आओ, मैं हूं ना। अंदर किसका नाम है पता नहीं, एक सील लगाकर कवर हाथ में दे दिया है। अनंत कृष्णन जी को देना है ऐसा बोला है। सबका एक नियम होता है, ये बात फोन पर भी बता सकते थे ना, ये खतवत का नाटक क्यों? फोन टैप हो सकता है ना, ऐसा होने से किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये अलकायदा के लोग आजकल ऐसा ही करते हैं, कवर में ही भेजते हैं। अगले मुख्यमंत्री का नाम इसी कवर में है ऐसा ऐलान कर दो और मुझे बख्श दो। चलो कवर के बारे में धीरे बोलो, पास में ड्राइवर भी है ना? अरे सरदार है, मगन होकर गाना सुन रहा है, हमारी बातों से कोई मतलब नहीं उसे।
तुम राजीव जी से मिले क्या? राजीव जी कहाँ मिला, उनकी सेक्रेटरी आई थी, उसे नहीं ये खबर दिया, साथ में चाय और पाव भी खिलाया। अब तक तो हम इंतजार ही कर रहे हैं ना, और आगे कब तक इंतजार करेंगे? तुम जरा उस कवर को खोलकर अंदर क्या है वो देखकर बता सकते हो क्या? अरे देखने की क्या जरूरत है, मुझसे कोई पूछेगा तो यही कहूँगा कि आप ही CDF से CM के कैंडिडेट हो सकते हैं, फिर ये फालतू का खेल किस लिए बना? देखते हैं हम, तुम्हें कुछ पता चले तो फोन करो। ठीक है। दो बार ऐसा ही कर चुके, अगर तीसरी बार भी अपने दामाद को मुखिया बनाने की सोचेंगे तो? अगर सोच लिया तो? तुम खुद ही देख लेना, पहले जैसा मजबूत सपोर्ट अब नहीं रहा, अगर हमने भी दबाव डाल दिया तो? घंटा कुछ नहीं होगा, कोई कितना भी दबाव डाल ले अच्युतम नायर जैसा सोच रहे वैसा ही होगा। आज भी पार्टी उनके इशारे पर ही चलती है। अभी जिसको जो बोलना है बोल ले, वो जो सोचते हैं वही पॉलिटिक्स है, वो जो बोलते हैं वही कानून है। केरला सरकार इज इक्वल टू अच्युतम नायर। महोदय हमें वो किताब मिल गई है, ये लीजिए। ठीक है, ये तो नहीं बोलोगे कि इसके जरिए सोने की तस्करी कर रहा हूँ? ये किताब इंडिया में बैन है, द सैटेनिक वर्सेस, कहाँ से ढूंढ निकाला? जब मैं शिकागो गया था अपने दोस्त के पास काम के लिए। रिपोर्टर जी, अच्छी किताब है, CM मुद्दे को लेकर कौन बेहतर है, इसके पीछे सूत्रधार कौन है, पहले ये खबर छाप कर दो, भला आप लोगों से बेहतर हेडलाइन बना कौन सकता है। नमस्ते। अब इतना भी ज्यादा मत झुको नायर, आखिर कब तक लोगों के सामने झुकोगे? झुकने का परिणाम कुमार भाई जैसे ईमानदार नेता झेल चुके हैं। सीना तान कर खड़े रहो, यू आर अ कम्युनिस्ट। कमबख्त देवदास भी ना। ये देवदास कौन है? केरला पॉलिटिक्स का ये मुख्य किरदार है। कमबख्त, इसमें किसका नाम हो सकता है? MP के क्वार्टर में दिखना ठीक नहीं है। दिन MP साहब अंदर नहीं है क्या? आप एक मिनट रुकिए। ठीक है तो फिर अब मैं फोन करूंगा। CDF में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है? दिगम्बरम जी आप बोलो। अब मेरे ख्याल से तो एक ही CM है, अब आज के राजनीति के हिसाब से सच कहूँ तो जोसेफ ही दावेदार हो सकता है। ए, यही बात तो नॉर्थ के लोग भी चर्चा कर रहे हैं, पहली बार इस बारे में चर्चा हुई तब हमारी उम्मीद कुछ और थी, बाद में तो जैसे सारी उम्मीद पर पानी फिर गया।
ध्यान से सुनो हरीश, मेरे ख्याल से तीन नाम की संभावना है। एक है मड़ाई माधवन। कन्नूर जिले में आज तक मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरह इंतजार किसी ने नहीं किया होगा। दूसरा है स्टीफन पाइपर। अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत जानकार है और खून भी नया है। और तीसरा है पवित्र। पिछली बार की बुरी हार को देखते हुए उसके पास है एक बहुत ही अच्छा सिंपथी स्कोर। वो इस लिस्ट में हो सकता है। और तो और, कुंभम में रहने वाला वो बुड्ढा भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। फैसला लेने से पहले अगर एक बार उसका भी। इससे कोई फायदा नहीं है। उस बुड्ढे को तकलीफ होगी, याददाश्त भी ठीक नहीं है। कमजोर याददाश्त वालों को ऐसा पद देने से फायदा होता ही है, सोच लीजिए। वैसे एमटी बाबू कुछ नहीं बोले क्या? समाज के पारस्परिक सौहार्द को आँच आए बिना लोकतंत्र के लोग लोकतांत्रिक सत्ता को स्थापित करने के लिए बिना किसी भेदभाव के बैलेट पे मुहर लगाकर अपना नेता चुनते हैं। ध्यान रहे ऐसी भोली जनता से धोखा ना हो। ये क्या है? साफ साफ समझाना मुश्किल है। वो बस अपनी बातों से हमें कंफ्यूज करता रहता है। मैडम, इस पे आपकी क्या राय है? मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहना चाहती, बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, तीसरे राउंड में तो हम होंगे, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। माननीय सचिव महोदय, आपसे आपकी राय किसी ने पूछी? प्यारे दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि ऐसे हम किसी भी एक नाम पर एकमत नहीं हो पाएंगे, और दिल्ली वाले बेवकूफों को समझ में आएगा कि यहां पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है। इसीलिए मैं इस बार एक काले घोड़े को उतारने के लिए सोच रहा हूं। जब देखो मुंह उठाकर चले जाते हैं, इनको जरा भी अकल नहीं है। कुछ करिए, जाइए। अरे आप क्या कर रहे हैं, आप भी जाइए जाइए। अरे उठो ना, जाओ। आप सुबह से काम कर रहे हैं, उन्हें भी आराम चाहिए, जाइए। चाय और नाश्ता लेकर आओ। जरा मुझे सुकून से काम तो करने दो। हमारे देश में आज तक इस तरह का मामला कभी नहीं आया। अभी परेशान मत करो मुझे। सॉरी इसके लिए। सॉरी किस लिए? मैं बीच में उठ नहीं सकता ना। तुम जाके तैयार करो। हेलो, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं अभी आता हूं। कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? हाँ सर, अभी तो सब कुछ ठीक है सर। हाँ। हेलो जी, अभी देता। आपका विजिट पूरा हो गया सर? नहीं, कुछ गांव बाकी। सर, आपके लिए फोन है। हेलो सर, पवित्रन सर लाइन पर है। हाँ पवित्रन। हाँ आनंद कृष्णन सर, कुछ पता चला क्या? तू नहीं है। फिर कौन है? पवित्रन, तुम्हें याद है कि जिस तरह से बचपन में तुम खेल में मेरा साथ देते थे, उसी तरह से तुम्हें आज भी मेरा साथ देना चाहिए ताकि मैं मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बन सकूं।
मैं ऐसा सोचता हूँ। आखिर ये क्या है सर, अपना दिमाग खराब करके मैं समाज सेवा के नाम पर बीच जंगल में आकर छेल रहा हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई नौजवान सीएम कैंडिडेट चाहिए तो मैंने तेरा ही नाम लिख कर दिया था और ये मैंने सोच समझ कर कहा था। तू भले ही मेरा यकीन न करे पर सच यही है। मैं नहीं हूँ तो कौन है? स्टीफन भाई है क्या? वो भी नहीं है। फिर कौन? डेविड जॉन मेडिल। डेविड है, पता है? या उसे सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए कोई तो वजह होनी चाहिए, स्पेशली जो दो बार सीएम की कुर्सी संभालने वाले अच्युतम नायर को पॉलिटिकल टक्कर दे सके। इसका मतलब मंच पे भाषण देकर यहाँ वहाँ से कुछ पैसों का जुगाड़ कर रखा है। जब पहली बार सुना तो मुझे भी अजीब लगा, बट लेटर देयर इज द रीजन बिहाइंड द सेटल। इस आदमी को हाई कमान ने चूज किया है, कोई तो ठोस वजह होगी। उसके पीछे सालों से नमक का एहसान मानने वाले वफादार हैं और उनके लिए ही लड़ते हुए जॉन मेडिल मरा था। एक हिसाब से वो कम्युनिस्ट के नेता थे, उस डेविड के पिता जॉन मेडिल सर। एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। केरला के पॉलिटिकल हिस्ट्री में वो कोई दुर्घटना ही थी या एक सोची समझी साजिश, इसके दो वर्जन हैं। उस कार के अंदर 25 साल का एक और इंसान था, ये किसी ने नहीं जाना कि वो एक दुर्घटना है या जानबूझकर उस घटना को अंजाम दिया गया है। जब जॉन अपनी आंखें बंद कर रहा था तब शायद उसकी आंखें कुछ जिम्मेदार लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? पिता के एक्सीडेंट के बाद डेविड चेंज्ड हिज साइड, सरकार की तरफ, अ लेफ्टिस्ट टर्निंग इनटू अ राइट विंग गाय एंड इट वर्क्ड। बाद में होने वाले 4 इलेक्शन में भी थंपिंग मेजॉरिटी से वो आदमी जीता। ही इज अ कनिंग बिजनेसमैन टू। बाप ने जो कमाई की थी इसने 100 गुना कर दिया। एमपी की कुर्सी संभालते हुए दिल्ली के पॉलिटिक्स में इस स्टेट का कोई भी नेता ऐसा क्लाउड नहीं बना पाया। सिंस ही वॉज फिल्थी रिच, डेविड हैज गॉट मनी बैकअप्स एंड मनी मैटर्स इन दिल्ली। जॉन मेडिल सर ने जिससे शादी की वो शेड्यूल कास्ट की एक हिंदू लड़की थी, लक्ष्मी। सो डेविड वॉज बॉर्न हाफ हिंदू हाफ क्रिश्चियन। और डेविड ने शादी भी की तो किससे? ईडीएस पार्टी के रेस्पेक्टफुल जाने माने लीडर कृष्णा गोपालन सर की एकलौती बेटी वृंदा से। डेविड के पिताजी जिस एक्सीडेंट में मारे गए थे उसी में डेविड की वाइफ ने अपने दोनों पैर गंवा दिए और तब से लेकर आज तक वो व्हील चेयर पर है। डेविड अपनी पत्नी का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ता। एक पत्नी होने के नाते वो भले ही उसको खुशी नहीं दे पा रही हो लेकिन डेविड कभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं होने देता, स्पेशली टू दोज मेंबर्स इन हर कम्युनिटी। उन लोगों के बीच वो आदमी एक आइकॉन बन गया एंड दे स्टार्टेड कंसिडरिंग हिम एज देयर फॉस्टर सन। और वो उन लोगों के लिए पैसा पानी की तरह बहाता है। ये जाति समीकरण ही केरला के इलेक्ट्रिक बैलेंस को डिसाइड करता है। केरला में सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन इसी मुद्दे पर होता है। इंडिया में तमाम सेक्युलर संस्थान होने के बावजूद लोग जातिवाद को लेकर ही आज भी वोट मांगने जाते हैं। जेम्स अच्छे हो ना तुम? बोले साहब, तुम्हारी मदद चाहिए। किस तरह की मदद चाहिए साहब? बोली ना, तुम लोगों ने वो डेविड मेडिल के बारे में कुछ लिखा था ना, वो लड़की उस कमबख्त की बीवी के साथ, उसकी पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए। अरे साहब क्या बताऊं? उस दिन जो मारपीट का मामला हुआ था उसके बाद उसकी बीवी के बारे में क्या कहूं? उससे उन लोगों ने कहीं कभी नहीं छोड़ा, वो पूरी तरह टूट चुकी है सर। दरअसल मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, बाकी आप जो कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूं। बकवास मत करो, फोन रखो। क्या हो गया? ये डेविड कुछ ज्यादा ही लड़कीबाज है ना? ऐसा कौन है जिसे नहीं चाहिए? सबको वो चाहिए। कुछ लोगों को रास आता है और कुछ को नहीं आता। मुझे तो रास आता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और एक रीजन है फ्रॉम इनसाइड इन्फॉर्मेंट। अभी सीएम पद के लिए डेविड नाम के इस बेहुदे इंसान को इस ग्लैरिंग लिमिटेशंस टू बिगिन विद। जैसा मैंने पहले बोला था, ही इज वे विद वेमेन। और तुम्हें पता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए डेविड ने 10 सालों तक संघर्ष किया है। सो डेविड विल हैव टू कीप हिज लिबिडो अंडर द क्विल्ट। एक पॉलिटिशियन को रिफाइंड और टैक्टफुल होना चाहिए। पैसा तो है इसके पास, पर क्लास नहीं। अरे वो एक गुंडा है, कॉर्पोरेट गुंडा। उस हरामखोर को हमारी पार्टी के हाईकमान अच्युतम नायर उतारने वाले। वो पार्टी को डुबोएगा। साहब खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं साहब? अगर राजीव जी ने फैसला कर ही लिया है तो हमें भी साथ मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। ओ बेवकूफ है राजीव जी। सुनिए, मेरा बस एक ही हाई कमान है और वो है मेरा दिमाग। और दिमाग कह रहा है अभी एक ही झटके में सीडीएफ पार्टी मिटने वाली है। वो ज्यादातर लोकल गुंडों के साथ उठ बैठ करके लो ग्रेड की कंपनी चला रहा है, और ऐसे में इसे सड़क से उठाकर मुख्यमंत्री पद पे। एंड हिज एज दैट कैन वर्क अगेंस्ट हिम। Should be 45-46 around. 47, but that can work in his favor. नया खून और पैसा, आपसे यही हमारी पार्टी का सिंबल है। What do you think about him? तुम पसंद करते हो डेविड को? पसंद है या नहीं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन वो एक अच्छा हीरो मटेरियल नहीं है और पूरी तरह से विलन भी नहीं है। सच कहूं तो वो जाल में न फंसने वाली और हाथ से फिसल जाने वाली मछली है। सालों तक जिसका इंतजार किया, साजिश करके जाल बिछाया बस इसी मौके के लिए, इसे हल्के में लेना सही नहीं होगा, क्योंकि उसे रोकना आसान नहीं है। ये पैसे दिखाकर पार्टी से पद खरीद रहा है, हाई कमान इसी वजह से कंफ्यूज हो गया है। मेरे भाई अभी भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा ना? कल रात को मैंने भी गिनती की है, तुमको मिलाकर 17 पार्टियां हैं हमारे अलायंस में। 17, समझ गए? डेविड को मैं संभालूंगा, उसे पहचानने में मुझे आसानी होगी, क्योंकि लोग मुझे भी गुंडे के रूप में जानते हैं और उसे भी। बस एक ही फर्क है तुम में, तुम्हारी गुंडागर्दी बनावटी है, उसकी ओरिजिनल है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। तो मड़ाई सर, आप उस कालिया के साथ हैं? ठीक कह रहे हो, इसमें सोचने की क्या बात है। उसके साथ रहेंगे तो पार्टी में फंड की कमी नहीं होगी। थक चुका हूँ दूसरों के सामने हाथ फैला फैला कर। अनंत सर, आपने कुछ नहीं कहा, उसे आने तो दो। डेविड को मैं पार्टी के लिए अच्छे से कन्विंस कर सकती हूँ। वो सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागता, बल्कि पिछले 10 सालों से उन लोगों के बीच रह के उनकी मदद कर रहा है, और हमें उसके काम को इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसको कितना दिया ये हम नहीं जानते, लेकिन जो ड्रामा चल रहा है इसकी वजह क्या है वो पता चल गई। हेलो, तुम जैसा नीच इंसान ही ऐसा एटीट्यूड दिखा सकता है? अरे मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? जाओ मेरी बहना, निकल यहाँ से। मेरे प्यारे पवित्रन, बखेड़ा खड़ा मत करो यार। लोग ऐसे ही हमें भिखारी पार्टी नहीं बोलते, पैसे कम गर्मी ज्यादा। हो हल्ला मचाकर पत्रकारों को निमंत्रण मत दो, वरना हम सब अनाथ हो जाएंगे। बात समझ में आई सबको? यहाँ जो लोग मौजूद हैं, डेविड ये आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं।
जो मुस्कुराकर गले मिलते हैं वो मित्र नहीं होते, और जो दूर होकर चलते हैं वो शत्रु भी नहीं होते। राजनीति में हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। मुझे लगता है इस बार आपके भी दिल में ख्वाहिशें हैं। देखिए, इस बीच वाली उंगली से उस लिफाफे को ऐसे पकड़ के मैंने अनंत कृष्णन जी के हाथ में दे दिया। आपको पता है कितना ड्रामा करना पड़ा है मुझे ताकि आप ऊपर पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया देवदास जी, लेकिन गेम खत्म होने के बाद ये उंगली खुशबूदार साबुन से धो लीजिएगा। सिर्फ इस बार तुम रुक जाओ, मेरी बस एक ख्वाहिश बची है, वो है मुख्यमंत्री बनना। मुझे जो भी अधिकार मिलेंगे उन सारे अधिकारों की पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारी होगी। बस इस बार पीछे हट जाओ। मैं जानता हूं, लेकिन उससे पहले अपने बीवी और भाई के नाम राजमुंद्री में 2000 एकड़ की जायदाद पे जो मॉडल टाउन बनने वाला है, सुना है उसका वेयर हाउस इंटरनेशनल लेवल का है, उसके बारे में मुझे मीडिया के सामने इंटरव्यू देने की इजाजत देनी होगी। इजाजत मिल जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। पहले ही देख चुका हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ कि इनसे कुछ नहीं उखाड़ने वाला। सर, आपके चले जाने के बाद पार्टी कमजोर पड़ जाती है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। आपको मेरा साथ देना होगा, एक बड़े भाई की तरह। समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम उस पद पे बैठने वाले हो ये सोच के मुझे खुशी हो रही है। खैर जो भी हो, अब एक सही आदमी उस पद पे बैठेगा। स्टीफन, पद पे चाहे कोई भी बैठे, सत्ता किसी की भी हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई है कि कुछ भी हो जाए, राजनीति में धर्म और जाति बीच में नहीं आनी चाहिए। इसलिए दिमाग से गंदगी निकाल दो, स्वच्छ होके आओगे तो स्वागत है। वैसे भी हमारी पार्टी ऑलरेडी 50 टुकड़ों में बट के बिखर चुकी है। किसी भी ग्लू या फिर सेलोटेप से चिपकाए बगैर क्या हम मिलकर एक साथ होके एक नई नीति नहीं बना सकते? वैसे भी इस राज्य को चलाने के लिए कॉरपोरेट के कुछ बड़े नाम और 49 MLAs मेरे साथ हैं। फिर भी जरूरत पड़ी तो हम कोशिश करके कुछ और लोग भी इकट्ठे कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि यहां जितने भी लोग हैं उन्हें इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हम एक साथ मिल के चले तो यहां सत्ता हमारी ही होगी। मुझसे भी ज्यादा जानकार आप हैं सर, इन्हें सब कुछ समझा दीजिए ना फुल डिटेल में प्लीज। वेल डन मैन इन ब्लैक। थैंक्स। मैं तो अब एक संदेश पहुंचाने वाला कबूतर बन गया। जानता हूं, मैंने सुना है राजीव जी, मेरी तरफदारी करने के लिए आप पे कुछ मामले भी दर्ज हुए हैं। एंड इन रिटर्न? इन रिटर्न आपको वो फाइल मिल जाएगी। इफ यू कैन। मिल जाएगी, वो भी उस लड़की के उठ के आने से पहले। तुम कैसे जानते हो? मेरे भी दिल्ली में लिंक्स हैं सर। डेविड, कैसे हो? मुझे तुझसे मिलना है। डेविड, मैं तेरे पिताजी का दुश्मन था, राजनीति में, सिर्फ राजनीति में। मैं जानता हूं अंकल, पहले आप वीरन अंकल के यहाँ मुझे लेकर जाया करते थे दोपहर के खाने के लिए,
और जब मैं वहां पहुंचता तो आप मुझे चिढ़ाया करते थे, फिर मुझे उठा के गले लगाते, और ये मुझे बहुत पसंद आता था। यही आपका प्यार था। और जाते वक्त आप अपने इतर की बॉटल मुझे देते और स्कूल में वो दिखा के मैं धौस जमाता। उसका नाम मुझे अभी भी याद है, अलरू। अलरू, वो भी कैसा वक्त था बेटा। हमारा अपना दोस्त मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ऐसी बातें कभी किसी के दिमाग में आती ही नहीं थी। मजीद, जोसफ, किशोर सब एक साथ स्कूल जाते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था। मेरे और तेरे पिताजी की सोच एक जैसी ही थी जिंदगी के बारे में। मजहब के नाम पर किसी पर आंच नहीं आने देते थे, ऐसा जमाना था। लेकिन आज के बच्चे नरक में जा रहे हैं। वही महक हम, अलरू। मुझे पिताजी की याद दिला दी, इस बेटे को याद रखिएगा। मैंने उसे फोन करने की बहुत कोशिश की पर उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। हाँ तो? बाप की बिगड़ी औलाद ऐसी होती है। मैं आपके पिताजी की नहीं, अपने बाप की बात कर रहा। नारकोटिक बिजनेस इज अ बैड बिजनेस। ये सब समझने के लिए सेंस होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिबिलिटी भी होनी चाहिए। इस तरह के दो चार पंच डायलॉग है ना, आप मुझसे सीख लीजिए और मौका मिलने पे डायलॉग चिपका कर तालियां बटो लेना। वो वहाँ लाइट दिख रही है, वो तो अपने राघो की दुकान है ना। हाँ, वहां जाके गरम गरम डोसा हाँ। और सांभर लेकर आओ। पर मुझे तो नहीं खाना। मुझे चाहिए। आपको चाहिए? ओह, कुछ कहो तो बस काम पे लगा देते हैं। तुम्हारा इरादा क्या है? कैसा इरादा? इंस्टा में मैसेज करके तुम्हारा नंबर ढूंढकर तुम्हारा पीछा करती फिरूंगी, इतना भी गिरा कैरेक्टर नहीं है मेरा। लगता है प्यार करने की क्वालिटी तुम्हारे अंदर भी नहीं है। सुन के सर में दर्द हो गया, इस तरह खुल के बात मत किया करो। लगता है तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया, बहुत जिद्दी इंसान लगते हो। मिलने आओगे? आ भी सकता हूँ। चलो बताओ कब आना है मुझे। सच में आ रहे हो क्या? तुम्हारी तो बीवी है ना। जहाँ बीवी नहीं है वहाँ तुम्हारे साथ रह लूंगा। तुम्हें डर नहीं लगता? कैसे आदमी हो तुम जैसे सेलिब्रिटी पर तो मुझे भरोसा नहीं कि तुम आओगे। दीवारों को फांद कर पहाड़ों को लांग कर आऊंगा। ये कैसा डायलॉग है? डायलॉग इस तरीके से थोड़ी ना बोलते हैं। डायलॉग बोलते समय फीलिंग, एटीट्यूड, इमोशन को होना बहुत जरूरी है, मतलब मजा आ जाए। हेलो, बाद में करता हूँ। सर अगला सीएम कौन बनने वाला है? सर चलो ठीक है, मैं घर पहुँच गया, फोन करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, जितना आप लोग जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ। चलिए ठीक है, खाना खा के जाइएगा। आराम से। खाना खाया तुमने? नहीं। चलो आ जाओ, साथ में खाते हैं।
जाओ तुम लोग भी खा लो। माँ पिताजी का कमरा बहुत दिनों से बंद पड़ा है, धूल मिट्टी जम गई है, किसी को बुला के उसे साफ करवा दे। उसकी बहुत चिंता हो रही है तुझे, तेरा अपना कमरा बहुत साफ है। पहले उनका कमरा साफ हो जाए, काफी गंदा है, उसके बाद मेरा होगा। ओ ओ अच्छा हाँ, आपको अलग से खाना खाने के लिए बुलाना पड़ेगा क्या? चलिए आइए ना माँ। मैं आती हूँ। अल्टीमेटली गफूर 25 सीटों का इकलौता मालिक है। हेलो। हाँ अच्युतम बोल रहा हूं डेविड। मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं करोगे, फिर भी जब यह बात पता चली तो पहले यह बताओ अच्छे तो हो ना? अच्छा तो नहीं हूं, और यही बात सच है। वो सब छोड़ो डेविड, अब आगे क्या करना है ये सोचो। और हाँ डेविड, जरा संभल कर। मुझे किसी के उपदेश नहीं सुनने, और एहसान तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम्हारे पिताजी की आवाज में इतना भारीपन नहीं था, लेकिन आवाज में खनक ऐसी ही थी। अगर आमने सामने बात करना है तो आ जाइए, लगता है सत्ता के लालच का पर्दा अभी हटा नहीं। पिताजी एक गलती कर चुके हैं। पार्टी के प्रति ईमानदार रह के उन्होंने कभी लालच नहीं की और ना ही गलत पैसे कमाए। पार्टी फंड में जितने भी पैसे थे सब उन्होंने पार्टी के लोगों में बांट दिए। पापा ने जाते वक्त मुझसे एक बात कही थी, कोई चाहे कितना भी खास हो, कितना भी करीबी हो, उस पे कभी भी भरोसा मत करना। तुम अभी भी शक करते हो ना डेविड? मुझ पर भी ना? मेरा शक तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है और वही मेरा डर है। बेटा सुनो, मैं फोन रखूं क्या? इस हिचकिचाहट में आपका प्यार दिख रहा है और वो मुझे नहीं चाहिए। अरे ए, बैठो बैठो आजा। अरे आओ ना, बैरू नहीं, नहीं जाना। छोड़ो है? ए, कौन है वहां? सुकून। मेडल के परिवार में एक और बंदा है, डेविड का भाई एंटनी मेडल। काफी दिनों से खाना नहीं मिला था, तुम्हें देख के लग रहा है क्या हुलिया बनाया? मेरा हुलिया देख रहे पर अपना नहीं देख रहे। शंकर, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। इसके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। डेविड को हम आराम से हटा सकते हैं, इसके पीछे कुछ बाहर के लोग हैं, और कैसे भी हम प्लानिंग करके इस काम को निपटाएंगे और डेविड को पूरी तरह से मिटा देंगे। उसे खत्म कर दो। तो फिर उस गुंडे का जल्दी काम तमाम करो। ये देखिए स्क्रीनशॉट्स। They are doing rounds in our family groups. David अपनी आधी उम्र की लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। आप इस बारे में उनसे बात कीजिए। वो इसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है ना? कोई बात नहीं। It's mutual. Are you serious? आप ये सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लोगी? तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जिसकी पत्नी 20 सालों से बेड पे पड़ी हो, उस पत्नी के लिए उसके दिल में अभी भी प्यार है। उसके सामने ये फ्लर्टिंग वगैरह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता।
जो औरत किसी काम की नहीं, उसके साथ जीने के दर्द को तुम नहीं जान सकते। इतने सालों में उसने मुझे कभी भी अपने दर्द का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि उतना ही प्यार किया। पत्नी के रहते हुए भी बहुत सारे लोग लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं। आप ना बिल्कुल बेवकूफ हो, बीवी के नाम पर बस उनकी पीआर बन गई हो। आपकी नजर में आपके पति एक अपाहिज बीवी का ख्याल रखने वाले महापुरुष हैं, और उनको बस आपके जरिए वोट चाहिए। तो आखिर इसमें गलत क्या है? और हाँ, डेविड मेरे लिए क्या सोचते हैं वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। इस तरह की नौटंकी करके तुम यहाँ चाहे कितने भी चक्कर काट लो, पुपारा स्टेट डेविड तुम्हारे नाम नहीं करने वाले, बल्कि तुम्हारे बच्चों के नाम लिख देंगे। तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे, वो जानते हैं। हाँ, मैं फोन कर देती हूँ, आप लोग वहाँ चले जाइए। ठीक है माँ जी। इधर आ। क्या बात है माँ? तेरी हरकतों के बारे में जब भी तेरे बाप से कहती थी, वो कहते थे लगता है अस्पताल में लड़का बदल गया है। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है, नहीं तो माँ बाप का एक गुण तो आता तुझ में। वाहिद भाई, ये कौन सा नंबर? मैं जो बोल रहा हूँ वो कान खोल कर सुन। कुछ भी हो जाए उसे सीएम नहीं बनने देना। देखिए वाहिद भाई, चाहे आसमान फटे या पहाड़ गिर जाए, हम उसे रोकेंगे। वो नहीं बचेगा, हम उसे सीएम नहीं बनने देंगे। तुझ पर मुझे भरोसा है गफूर। भाई, वो अच्युतम नायर हमारे काम में रुकावट पैदा कर रहा है, लेकिन अगर वो सीएम भी बन जाए तो हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, मैं इसकी मंजूरी दूंगा? मंजूरी मत देना। और अगर ऐसा हुआ तो तुम लोग पार्टी फंड और मजहब के नाम पर जो नौटंकी करते हो वो सब कुछ एक्सपोज करके मैं बंद करवा दूंगा। तुम जानते हो मैं ये सब डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हेलो। ए यस, बिजी हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बोलो। मुझे तुमसे एक काम है। बताओ क्या काम। मेरे हस्बैंड शाम को दिल्ली जा रहे हैं, कल मिडनाइट फ्लाइट से वापस आएंगे। सो आज की रात हमारी। वो तो मैं जानती हूँ, यहाँ तो सब मैं संभाल लूंगी। बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो, आ रहा हूं मैं। हाँ हाँ ओके, एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर, एक एक्सक्लूसिव न्यूज है सर। yes? वो कह रहे हैं कि सिर्फ आपसे ही बात करेंगे। आई वॉन्ट टू टॉक टू द एम डी ऑफ दिस चैनल, एम आई स्पीकिंग विद राइट पर्सन? यस, स्पीकिंग। एक्चुअली सर, मैंने आपको एक न्यूज देने के लिए फोन किया है, कल सुबह केरला की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज रिलीज करने के लिए, क्या आप तैयार हो? कीप योर फायर रिपोर्टर्स रेडी सर, यू आर द ओनली वन हु कैन पुल इट ऑफ एक्सक्लूसिवली। सुधी। यस सर। इस कॉल के नंबर को जरा ट्रेस करो। इमीडिएटली। श्योर सर। अरे दोस्त, तुम आ गए हो क्या? हाँ पहुंच गया, तुम बाहर तो आओ। बस आ गया। ओके। मामला सब ठीक है, लेकिन इतना रिस्क लेना जरूरी है क्या? रिस्क दो तरीके के होते हैं, एक कुछ पैसे देके मामले को निपटा देना, दूसरा खुले मैदान में उतर के गेम का मजा लेना, और मैं यही कर रहा हूँ। मानना पड़ेगा तुझे। चल ठीक है, मैं फ्री होके कॉल करता हूँ, तू अपनी शूटिंग खत्म कर ले। ओके ओके, बाय। चले क्या? तुम ये गाड़ी को लेकर मेरे पुपारा फार्म हाउस पे चले जाओ, मैं सुबह वहां पहुंच जाऊंगा। और हाँ, अपना फोन ऑफ कर देना, कुछ भी हो जाए ऑन मत करना, और अगर जरूरत पड़ी भी तो मुझे लैंडलाइन से कॉल करना। अरे मैंने तो आज ही रिचार्ज करवाया है।
जो मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने कहा कुछ भी हो जाए अपना फोन ऑन मत करना, इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा हूँ तुम्हें। हाँ। और अगर किसी ने वहाँ फोन किया लैंडलाइन पे, हाँ। तो बोलना कि सर कहीं गए, आते हैं तो बात करवाता हूँ। क्या बोला मैंने? सर कहीं गए हैं, आएंगे तो बात करवा दूंगा। शाबाश। मेरा फोन तो ऑफ ही है सर। क्या कहा? अरे ऑफ करना भूल गया क्या? सर ऑफ करना भूल गया था, सॉरी सर। Hey, I'm on my way. सुनो, क्यों ना हम इस प्लान को कैंसिल कर दें? इसके बारे में तो सोचकर ही मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे डर क्यों रही हो? पति दिल्ली पहुंच गए हैं ये कंफर्म कर लो, नौकरों को छुट्टी दे दो और ध्यान रखना कि घर पे रिपोर्टर्स ना आए। और क्या चाहिए? वो सब तो ठीक है, फिर भी। हे, इतनी शानदार रात हमें सामने से मिल रही है और तुम उसे ठुकरा रही हो। बाय, ड्राइव सेफ। हे, मैं पहुंच गया। आस पास नजर घुमा लो, कहीं कोई देख तो नहीं रहा ना? अरे क्या हो गया? डेविड सर की गाड़ी लग रही है। अरे जरा देखो तो। ए यहाँ यहाँ पर आओ। डेविड सर का ड्राइवर यहाँ पर पड़ा है। क्या कहा? ये देखो, उठाओ 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 जल्दी उठाओ। पूरी रात मेहनत की है, सर को जरा चैन से सोने दो, ये भी बोला, कोई सुनता ही नहीं। एक बात और सर, आपकी माशूका बोल रही थी जल्दी काम निपटा के घर जाना है, ठीक है? आप जल्दी तैयार हो जाइए सर, कुछ लोगों से मिलना भी है। दूध पिला के सुला दिया है, यहाँ का क्लाइमेट उसे सूट नहीं कर रहा, ये जगह बहुत ही मायूस है। सर आप सुबह सुबह क्या लेते हैं, काली चाय या कॉफी चाहिए? क्या ढूंढ रहे हैं सर? मेरी धोती। अब धोती क्यों चाहिए? ये रही धोती, लीजिए। ओह
हमने कुछ नहीं देखा और आगे भी नहीं देखेंगे अगर चाहो तो। बस वैसा ही करते रहिए जैसा हम कह रहे हैं, वरना पूरी दुनिया देखेगी। सर आप जाके फ्रेश हो जाइए, बाथरूम में साबुन और ब्रश रखे हैं। तैयार होकर आ जाओ, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद कुछ काम की बात करेंगे। तुम्हें क्या चाहिए वो भी नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं कि यहां मैं आके फंस गया हूं। जिससे तुम लोग मान जाओ, ऐसी कोई डील करनी चाहते हो तो बता दो। मैं आज तुम्हारे जाल में फंस गया हूं क्योंकि मैं पागल हूं। तुम लोग जो भी मांगोगे वो मुझे देना पड़ेगा। सो तुम्हें क्या चाहिए, पैसे या फिर पॉलिटिक्स? क्या कहा, पॉलिटिक्स? वो हमारे काम के नहीं है सर, पैसा वो हमारा खुदा है। कितना? हम 5 है और हमें चाहिए पूरे 30 करोड़। फिर सर आपको झांसा देकर बेड पर अय्याशी करवाई थी ना, उस लड़की के 1 करोड़। बाकी की बातें हमारे सर के आ जाने के बाद। और सर को क्या चाहिए हम नहीं जानते। इसके पीछे आखिर है कौन? जब आएगा तो देख लेना, ठीक है? आरंभ है फिर से युद्ध का महोत्सव, हर तरफ सजी देखो दलों की सेनाएं, हर कदम के षड्यंत्रों के पीछे है जान, ऐसे शिकारियों से कैसे कोई भी बच पाए। बोलेंगे तो वो यहीं मिलने आ जाएंगे। मैं यहाँ पर हूँ, किसी को पता ना चले। हाँ। सर अंदर क्या चल रहा है? लगता है कुछ पढ़ रहे हैं। अच्छा। क्या बात है ईशान, एनी ग्लिचेस? सर आई एम वेरी सॉरी सर, उन्होंने मोबाइल पे जो डेटा भेजा है वो क्लियर नहीं है सर। हमें वो कैमरा मिल जाते तो बहुत ही अच्छा होता। वो कमीने बहुत किस्मत वाले हैं। हाँ, जॉन डेविड मेडल को कैद करना हम जैसे 2 कौड़ी के गुंडों की बस की बात नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होंगे।
हमें बेवकूफ समझकर कोई प्लानिंग मत कर लेना। रेस्ट कर लो, आने दो उनको। सर, उस नंबर को ट्रेस किया है, बट हम लोग कंफ्यूज हैं। टावर लोकेशन इज विशाखापट्टनम, बट नंबर को फिलीपींस से लिया गया है। ये लोकल कॉलिंग कार्ड है वहाँ का। क्या हुआ? अभी तक होश नहीं आया है दीदी, यहाँ पुलिस वाले उनको घेरे हुए हैं। डॉक्टर से कुछ बात कर रहे हैं। पॉल को होश आते ही मुझे कॉल करने को कहना। हाँ ठीक है दीदी। और हाँ, मैंने फोन किया था, पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है दीदी। सर, आपने कुछ खाया ही नहीं। कल जो पिया था वो अभी भी बचा है, बस वही लाके दे दो। सर, आपको खुद ही उठ के पीना पड़ेगा, हमारे मजहब में हराम है, ना तो पीते हैं ना ही पिलाते हैं। ओके। हम में से किसी को तकलीफ ना हो ऐसा मैंने एक सेटलमेंट सोचा है, लेकिन मैं जो भी पैसे तुम्हें दूंगा उसके बाद भी ये क्लिप बाहर नहीं जाएगी, इस बात पे मैं भरोसा कैसे करूं? हम जो वादा करते हैं उससे कभी मुकरते नहीं। यही करना होता तो ये क्लिप खरीदने के लिए हमें हजारों लोग मिल गए होते, ये आप भी जानते हैं, इसलिए उस बारे में सोचकर डरिए मत। 31 करोड़? सर ये तो आपके बाएं हाथ का मैल है, ये हमें भी मालूम है। पैसा जाए उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे दूं कैसे? आजकल वो अकाउंटेंट होते हैं ना, एक एक पैसे का हिसाब किताब रखते हैं वो लोग। इतनी बड़ी रकम को किसके अकाउंट में ट्रांसफर करूं समझ में नहीं आ रहा है। क्या सोर्स दिखाएंगे आप लोग, और मैं किस बिना पे आप लोग को दूं? एक चारा है, विदेश का कोई अकाउंट हो तो बताओ, दुबई या स्विस बैंक का। NRI ट्रांसफर हुआ तो और भी आसान होगा। फोन करिए, क्या पता कोई मिल जाए। आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आप लोग के जरिए जिसने ये सब प्लान किया है उसके पास इसका भी हल होगा। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें जिस आदमी ने काम पर लगाया है ये उससे मिलने की चाल है ना? मेरे भाई, ऐसी मेरी कोई चाल नहीं है, मैं तो खुद इन सबसे छुटकारा चाहता हूँ। आप लोगों से ज्यादा टेंशन है मुझे, घर वालों को फोन भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा फोन आप लोग के पास है। ऑन द वे है, एक घंटे में पहुंच जाएंगे। सो नारायण कुट्टी, प्लीज ब्रीफ द टीम अबाउट द डिटेल्स। यस मैम। सो ऑफिसर्स, डेविड जॉन मेडल को किडनैप कर लिया गया है। इसके पीछे एक अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट ग्रुप है, अब तक मिली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ऐसा ही कह सकते हैं। कमिश्नर के पर्सनल मेल में आए हुए मैसेज के मुताबिक 30 करोड़ रुपए का रैंसम मांगा गया है। साथ ही नाथा बॉम्ब ब्लास्ट केस में पकड़े गए मुजरिम यासिर लतीफ एंड तुगलक जमाल, इन्हें हैंडओवर करने की मांग रखी है। और उस ईमेल को एक स्टूडेंट के लैपटॉप से भेजा गया है। एंड दैट हैज बीन डन फ्रॉम अ विलेज नियर विशाखापट्टनम। अलर्ट ऑल स्टेशंस, इमीडिएटली इन्फॉर्म द एंटी टेररिस्ट विंग। यस मैम। नासर हम सर को इन्फॉर्मेशन पास कर दिया है, बट राइट नाउ हिज फोन इज आउट ऑफ रीच।
ट्राई अगेन। श्योर मैम। डेविड जॉन मेडल को टेररिस्ट लोगों ने किडनैप कर लिया है, अभी अभी हमें ऐसी खबर मिली है। इस खबर को ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी आशंका है कि इसके पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है। उस टेररिस्ट ग्रुप के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए था। वो ईमेल हमें गुमराह करने के लिए भी हो सकता है। उसे वहीं रहने दो। हमारा प्राइमरी कंसर्न डेविड की सेफ्टी है। मिस्टर डेविड विल बी सेफ सर। हमें अपने पूरे पुलिस फोर्स का यूज क्यों ना करना पड़े, हम उन्हें सुरक्षित वापस ले आएंगे। बट द टेररिस्ट एंगल, आई बेग टू डिफेंस सर। हमें जो लीड मिली है उसके मुताबिक 4 लोग हैं जिन्होंने डेविड को अगवा किया है। इसमें आतंकी संगठन का हाथ है या किसी दूसरे का, ये देखना होगा। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम फिर हाजिर है एक धमाकेदार खबर लेकर। अगर माँ के ऊपर बाप हाथ उठाए तो उसका भी कारण इस्लामिक संगठन है। आज की राजनीति में इसी को अहम मुद्दा बनाकर फैलाया जा रहा है। शुरू करते हैं। एक झूठा नाटक करने वाले शख्स के रूप में हमारे मुख्यमंत्री को देखा जा सकता है। मैंने जो बोला है वो डेविड जॉन मेडल किडनैप केस के बारे में है। सुबह सुबह इडली बेचने वाले लोग भी कह रहे हैं इस किडनैपिंग के पीछे इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। अगर हम ऐसे ही अच्युतम नायर और उनकी पुलिस का तमाशा देखते रहे तो हमें हमारी जिंदगी और हमारे मजहब को गिरवी रखना पड़ेगा। मैं आज ही बोल रहा हूँ, कल अगर सच सामने आया तो इस आतंकवादी संगठन के पीछे इसी नायर का हाथ होगा, इसी अच्युतम नायर का। जिस तरह से इस पार्टी का इतिहास है, अगर डेविड सही सलामत जिंदा मिला तो ये उसके परिवार की खुशनसीबी होगी। मेरे हस्बैंड आज शाम को दिल्ली जा रहे हैं। मैं आता हूँ। ड्राइव सेफ। You are natural, darling. Oh my God. ये तो कंपनी में झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है, और ऐसे इंसान को केरला का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोच रहे हैं। Thanks for the night. I'm sorry. किस लिए? जैसा तुम लोगों ने प्लान किया सब वैसा ही हुआ। इसमें बेवकूफ तो मैं बना हूं ना। बिना प्रॉब्लम के ये काम निपट जाए तो। यस, वैसा ही कुछ मैं ट्राई कर रहा हूं। वैसे सच में तुम बहुत कमाल हो। Investigation is going on. We will keep you updated. डेविड सर के परिवार और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देने के लिए ऊपर से ऑर्डर मिला है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोफी बेटी। तुम्हारी ये प्रोटेक्शन तुम्हारी सरकार को ही मुबारक। इस प्रोटेक्शन के नाम पर ही मेरे परिवार के कितने लोग बलि चढ़े हैं। ऐसी प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए। तुम्हारी पुलिस अब तक नहीं पता लगा पाई कि डेविड कहाँ है। इस तरह यहाँ पुलिस का जमावड़ा करके दिखावा करने का नाटक बंद करो। सर, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वैसे एंथनी, तुम्हारे और जोसेफ के बीच में क्या रिश्ता है? बहुत गहरा है क्या? सीएम सर, कैंसर से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक मार्केट में है, आप कहें तो मैं मंगवा दूं। मुझे पढ़ना होगा। अरे ऐसी बात नहीं है सर, बस मैं तो Thank you.
डेविड मेरे पास आया था, बोल रहा था उसे गाड़ी चाहिए, कुछ सीक्रेट पॉलिटिकल मीटिंग है। खुद की गाड़ी लेकर जाएगा तो लोगों की नजर में आ जाएगा, और फिर चला गया। बाद में फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। वैसे आपके हिसाब से डेविड सर को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाले कितने दुश्मन होंगे? पूरे दुश्मन ही तो भरे पड़े हैं। ओह, तो ऐसी बात है। फिर तो आपको भी हम लोग उनके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं ना? अल्ताफ, यही है ना आपका नाम? अल्ताफ हुसैन मलिक। डेविड आखिरी बार आपसे मिलने आया था उसके ड्राइवर की बीवी ने बताया, वो भी एक सॉलिड एविडेंस ही है। यहाँ से वापस लौटते वक्त उस ड्राइवर पर किसी ने हमला किया, तो जब उसको होश आएगा तो इस कहानी का एक अलग वर्जन हमें सुनने को मिल ही जाएगा। अल्ताफ हुसैन मलिक साहेब, चलो। बोलो, किसने तुम पे हमला किया? डेविड सर की भलाई के लिए बोलो, बताओ किसने हमला किया? डेविड सर की भलाई के लिए? उन्हें क्या हो गया? माते! सर आप गलत मत समझो, माते मुझे बोल रहा है। हाँ। अरे हाँ? तुम्हारे भाई लोग मास्क पहन के आएंगे तो भी मैं उन्हें पहचान लूंगा। अगर उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया ना तो भी वो लोग मेरे हाथों से नहीं बच के निकल सकते। भले ही वो लोग मुझे कितना मारे पर वो जो चाहते मैं उन्हें नहीं दूंगा। वो कौन है? वो सर क्या है ना, मेरे भाई और उनके बीच में नारियल के पेड़ों को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था। कह रहे हैं उन लोगों ने ही ये किया है। सब वेस्ट। सुनिए, हो गया क्या? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खबर देखा? अरे उस कमबख्त को अगवा करके उठाने वाले तुम ही हो ना? क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? कॉल रिकॉर्ड होने का डर है क्या? अरे आपके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? और क्या है? वहाँ कहानी कुछ अलग ही चल रही है। एक बार तह तक पहुंच जाऊं फिर फोन करता हूँ। कुरियर है नंबी सर के लिए। नहीं, वो कल आएंगे। साइन। क्या है? एक कुरियर आया है, शायद यहाँ के ओनर के लिए है। आ गए हैं। हाँ
किस लिए? किस लिए? तो नहीं जानता ना कमीने। ले जाओ और बंद कर दो इसे। ले जाओ। ये चल 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 क्या हो रहा है ये सब? चल चल बताओ। जाओ। चल ले जाओ। शाजिया। मेरी बीवी है। सिर्फ इतना ही नहीं ना। अफगान की पुरानी योद्धा। पेट से होने की वजह से अभी इसने आतंकवाद को भुला दिया, यही सच्चाई है। तुम सब कुछ जानते हो? सब पता है। तुमने यही कहा था ना कि आसान काम नहीं है। डेविड जॉन मेडल कौन है ये पूरी जानकारी निकाल ली है। मेरा सबसे खास दोस्त है वो। उसके जरिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो आप लोगों को कितना फायदा होगा बताना जरूरी है क्या? वैसे ये इतना आसान काम नहीं है भाई। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। हम कभी मिले थे आपस में चर्चा भी मत करना। आपको लगता है कि हमसे नहीं होगा? मेरे भाई बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं हम लोग। इसके पीछे सिर्फ मेरा नहीं किसी बहुत बड़े शख्स का हाथ होगा। अलग अलग रहने से कोई फायदा नहीं है, साथ में रहेंगे तो ही फायदा है। बस एक ही मकसद, सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। कितना मिलेगा? अगर काम बन गया तो 50 और अभी जो है एडवांस, काम होने के बाद 5 करोड़ सबके लिए अलग से। यह है मेहर, यही है उसे यहां लाने वाली। कम ऑन, लेट्स फिक्स द डील। सर एक सवाल, हमारे बारे में कैसे पता चला? कैसे पता चला, किससे पता चला जरूरी नहीं है। ऐसे मुश्किल काम को आप लोगों ने बिना किसी हंगामे के कर दिया, इतना कम है क्या? ठीक है ना मोहसिन? अगर उसने पूछा कि पैसे कैसे ट्रांसफर करना है तो? उसके लिए पैसा वो देने वाला नहीं है। खैर वो छोड़ो, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है मोहसिन। हमारे अंदर कोई तो खबरी है जो अंदर की बात को लीक कर। हम लोगों में से कोई भी नहीं है और इसके बारे में हम लोग कुछ जानते भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? नो बेब, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसे लेकर डरने की जरूरत नहीं। जरा टीवी ऑन करो, देखते हैं न्यूज़ क्या आ रही है। साथ ले गए थे उनका संबंध एक आतंकवादी संगठन के साथ है। इस आतंकवादी संगठन के बारे में जांच एजेंसियों को कुछ पता चला है जिसमें कुल 4 लोग हैं और उनका नाम है मोहसिन इकबाल अख्तर जब्बार। इनकी तस्वीरें सिर्फ इसी चैनल पर दिखाई जा रही हैं। इनके बारे में इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस और रॉ को एक बहुत ही अहम जानकारी मिली है। ये 4 लोग कई साल पहले अफगानिस्तान गए थे और वहाँ पर जंग लड़ने की पूरी ट्रेनिंग हासिल की थी। इसका मतलब हमारे पीछे कोई तो है। हो सकता है तुम लोगों में से कोई हो। क्या तुम लोगों को भरोसा है कि तुम में से जासूस नहीं है? इस समय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर तुम लोग पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, फिर खून खराबा होना तय है। अगर हम साथ खड़े होते हैं तो याद रखना 5 करोड़ रुपए, अगर भरोसा ना हो तो चेक कर लो, पूरे 5 करोड़। किसी को कोई शक? जबार नहीं, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है साहब। अगर हम इस जगह के बैक साइड से बाहर निकलते हैं तो तमिलनाडु नजदीक होगा, वल्लुवर कुप्पम। वहां एक ब्लैक स्कॉर्पियो वेट करेगी, TN60109। ड्राइवर का नंबर इसमें सेव किया हुआ है, सेल्वराज। वही आदमी आपको ठिकाने पे ले जाएगा। एंड वन मोर थिंग, तुम लोगों को अलग नहीं होना है, और उन लोगों के सस्पेक्ट लिस्ट में शाजिया का नाम नहीं है और ना ही फोटो। जंगल के रास्ते पैसे लेकर के जाना बहुत मुश्किल है, तुम लोग जाओ और शाजिया को फिलहाल यहीं रहने दो। तुम लोग सेफ वहां पहुंच गए, ऐसी खबर मिलते ही शाजिया को वहां पे भेज दूंगा, साथ में बाकी अमाउंट भी। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं, तो चलो सब लोग तैयार हो जाओ। अब आप लोग यहां से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पकड़ के निकल जाओ, बी से। अरे लेकिन किस लिए? इतनी तेज कौन मारता है? जबड़ा हिल गया मेरा। बस ऐसे ही जानबूझकर थोड़ी मारा था। साहेब, हमारे साथ एक और नाम जोड़ लो, अनवर। पर उसको कुछ नहीं होगा अगर आप हमारे साथ खड़े रहे तो। समाज के लिए आपने हमेशा ही अच्छा काम किया है साहब, इसीलिए पता है कि आपके यहां से ऐसा कोई काम नहीं होगा, एक पैसा भी नहीं चाहिए। तो फिर हर मामले में कुछ उम्मीद रखे बिना CDF का साथ दे रहे हो ना साहब? इस बार गफूर साहब जो बोल रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं। उसका अंडरवर्ल्ड से क्या ताल्लुक है? कफूर कभी तो एकदम झुक जाता है और कभी अकड़ जाता है। वो तो भगवा भी पहन सकता है। जब कभी ऐसा रंग बदले तो आपको साथ देना पड़ेगा, नहीं तो अब्दुल रहमान जी आपका प्यारा बच्चा आतंकवादी बन जाएगा। जेल में कैद यासिर लतीफ, तुगलक जमाल गवाही देंगे और उसी के साथ रहमान खानदान की कहानी खत्म। अब्दुल रहमान सर ने पूरी बात बताकर मामले को समझा दिया। इस इलेक्शन में जैसा आप बोलते हो वैसा ही करेगा। उस आदमी को और कोई सहारा नहीं है, उसकी आवाज को पैसे खिलाकर बंद कर दो। ये कौन सी बड़ी बात है? एक काम तुम्हें करने के लिए दिया और वो तुमने कर दिया, बस इतना ही। औकात से ज्यादा बात मत करना। आप भी ऊंची आवाज में बात मत करिए, पहले की तरह आपकी बातों में आकर डर के मारे चुपचाप खड़े रहने वाले लड़के नहीं है हम। तुमने याद दिला दिया, अच्छा किया। मेरी तो किस्मत में यही लिखा है। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? अपने कौम के लिए ना, अपने लोगों के लिए ही कर रहा हूं ना ये सब। इसी में हम सबकी भलाई है।
हमारी नहीं साहब, आपकी, सिर्फ आपकी। देश में रहने वाले मुसलमानों को 5 पैसे का फायदा भी है कैसे? सब बेकार की पार्टियां हैं तुम्हारी। आजादी के नाम पर जब आपकी साजिश में फंसकर वहां के मासूमों को हम मार रहे थे, आपकी बातों में आकर गलत रास्ता पकड़ लिया। काबुल कैंप में जब ये रो रही थी तो इसके जिस्म को नोच रहे थे कमांडर। इसे तो ये भी नहीं पता था कि इसके पेट में किसका बच्चा है। गाड़ी घोड़ा बोट जो भी मिला बस किसी तरह से वापस आ गए हम लोग। तब एक ही बात समझ में आई साहब, दुनिया में सिर्फ एक ही मजहब है, पैसे। सिर्फ दो ही जात हैं, अमीर और गरीब। अमीर होना ही सब कुछ है, फिर चाहे वो किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई का पता चल गया है, अब डर नहीं लगता। डेविड, कैसे हो? मुझे तुझसे मिलना है। अलवर को उन्होंने पकड़ लिया। गफूर बोल रहा है वो उसे जाल में फंसा देंगे, आतंकवादी बना देंगे। वो लोग जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। अपने बेटे को बेकार में इस पार्टी और पॉलिटिक्स के चक्कर में बलि चढ़ा रहा हूं। जिस पर भरोसा था वो भी इसमें शामिल है। कफूर को क्या चाहिए? आने वाले इलेक्शन में CDF का साथ कफूर नहीं देने वाला है। दिगंबर के साथ गुप्त मीटिंग कर रहा है। लेफ्ट की तरफ से 50 सीट मिल गई तो बाकी की 25 सीट हमारी पार्टी की तरफ से। लेफ्ट फिर से सत्ता में और दिगंबर मुख्यमंत्री। गफूर की मांग है कि आखिरी 2 साल गफूर मुख्यमंत्री रहेगा। यही खेल इस इलेक्शन में होने वाला है। इस साजिश में मुझे साथ देना पड़ रहा है। जैसा गफूर बोलेगा उसकी कठपुतली बनकर पार्टी को लेफ्ट का साथ देना पड़ेगा। तो फिर अच्युतम नायर? यह अच्युतम नायर के खिलाफ होने वाली साजिश है। वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो तो दिगंबर को अपना भाई मानता है। अनवर को कुछ भी नहीं होगा। आपके परिवार की इज्जत बचाना मेरी जिम्मेदारी और फर्ज है। अगर मैं अनवर को सेव नहीं कर पाया तो भी पार्टी को बहुत सारे सपोर्टर्स मिल जाएंगे। गफूर लेफ्ट में चला गया तो हमारा सपोर्ट थोड़ा कमजोर भी हो सकता है, इसलिए गफूर को हमें साथ में रखना होगा पार्टी की मजबूती के लिए। तो ये सिर्फ अनवर को बचाने का खेल नहीं है, है ना? तुम्हें पता है पिताजी को एक कहानी बहुत पसंद थी। कभी कभी वो मुझे वो कहानी सुनाया करते थे। US सेनेटर मिस्टर बैरीमोर ने अपने इलेक्शन के टाइम में जो खेल खेला वो एक रिवर्स हनी ट्रैप था। वो खुद से जाके हनी ट्रैप में फंसा और अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसी तरह हम भी उस हिस्ट्री को दोबारा रिपीट करेंगे। सो अनवर को जो अगवा करके ले गए उनके ही जरिए? या इसमें तो बहुत रिस्क है। रिस्क ना हो तो फिर गेम का मजा ही क्या। सो डायरेक्टर साहब, 4 लोगों को लेकर मुझे हनी ट्रैप में फंसा कर एक बंगले में लॉक कर देना। बस इतना ही करना है तुम्हें। तुम सीरियस बोल रहे हो? मुझे तो लग रहा था कि कॉमेडी है। मेरे दोस्त, जो तुम्हारे सामने बैठा है ना, वो केरला का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इससे बड़ा मजाक शायद तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम ये जो हनी ट्रैप बोल रहे हो उसके लिए कोई लड़की नहीं चाहिए? चाहिए ना। तुम उसे फोन करो। किसको? मल्लिका। अरे लेकिन उसे मैं समझाऊंगा क्या? तुम बुलाओ तो सही, वो आएगी। जाओ मिटा दो अपने इंडियन इंटेलिजेंट साथी का अहंकार। लॉन्ग टाइम मिस्टर ब्लैक एंड आई मिस्ड यू। सेम हियर। हे, इस ऑपरेशन के लिए सिर्फ तुम्हारे नाम पर आई है ये, और उसे अंजाम देने के लिए इसने कितनी तैयारी कर रखी है इस बात को जानने की तो जरूरत ही नहीं है यार। सो टेल मी जेंटलमैन, What can I do for you? Simple. Create a honey trap for me. ये पूरा प्लान तुम्हारा होगा।
और मैं एक मक्खी की तरह यहां आऊंगा इस घर में। Let me guess. A honey trap, but in the reverse. Like the Senator Barrymore story. Very good. देखा ना? मैंने बोला था. She is smartest lass we have in our company. ये तुमने correct बोला. Yeah. So, to Operation Honey Trap. एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के मुसलमानों को जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है ना, हम उस तरह के मुसलमान नहीं हैं। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? और फिर मैं क्या बोलूं सर, इस राज्य के प्रति मेरा जो फर्ज है उसी की वजह से मैं ये नौकरी कर रहा हूँ। मैंने भी ट्रेनिंग की है सर, पर मेरा मुस्लिम होना ही मेरे लिए कलंक है। औरों की तरह मैं भी काम को बेहतर अंजाम देता हूँ सर, लेकिन मैं किसी के दिल में जगह नहीं बना पाया। और इस बात का एहसास मुझे पोस्टिंग के समय हुआ। आज भी जब मैं किसी ऑफिसर्स के कमरे में जाता हूँ ना, तो मुझे देख के मैटर ही बदल देते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज़ आई एम अ मुस्लिम ऑफिसर, सबकी नजर में गद्दार। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या आपको नहीं पता सर कि हम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है? हमारे कौम के कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, और उन्हीं की वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है। आज तक किसी भी शरीफ मुसलमानों की औलाद ने कहीं पर भी बम रखा है क्या, या फिर दंगा फैलाया है? जब मैं पढ़ाई करता था उस समय आपने किताब भेजी थी, APJ अब्दुल कलाम द विंग्स ऑफ फायर, साथ में एक नोट भी, आई वॉन्ट यू टू बी लाइक हिम। क्या आपको याद है? मुझे नहीं याद है, बट आई स्टिल वॉन्ट टू बी लाइक हिम। सुनो, देखो मेरा एक सपना है, और वो सपना पूरा होने के मुकाम पे है। जो मैं चाह रहा हूं उसे पूरा करने के लिए और तुम्हें तुम्हारी नौकरी के लिए ये सब करना होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। डेविड सर ने देने के लिए बोला था, नासिर अहमद साहब ने। जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, तो प्लान बी, शूट देम ऑल। ये तालिबानियों के साथ आखिर तुम्हारे तार कैसे जुड़ गए? सच कहूं मैं तो डर के मारे हिल ही गया था। डर? तुम्हें? घर के दरवाजे पे अभी भी लिखा है, मेजर अल्ताफ हुसैन, घर की नेम प्लेट। करेक्ट है यार। मेजर साहब, थैंक यू। मालिका, यस, गिव मी योर फोन। वो लोग जंगल की तरफ गए हैं और उनके बैग में तुम्हारे लिए GPS ट्रैकर है और 5 करोड़ रुपए भी। वो पैसे वापस जरूर ले आना। पैसे तो वापस नहीं करूंगा सर, उसे अपने इलेक्शन फंड में काउंट कर लीजिएगा। मुझे भी तो सेटल होना है ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम ही अच्छी जिंदगी जी लो। रखता हूँ सर। ओके। देखो, फैसला तुम्हारे हाथ में है कि अब आगे तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरी बात ना मानकर तुम्हें मर जाना है, या जिंदा रह के इसकी परवरिश करनी है। मुझे जीना है, अपने बच्चे की परवरिश करनी है। सेंसिबल। इसका नाम क्या है? आजाद। आजाद? वैसे दुनिया का सबसे सुंदर नाम है ना ये अल्ताफ। आजाद, स्वतंत्र, अपनी मर्जी का मालिक। चलो बताओ, अनवर कहाँ है? तुम्हें फैसला लेने का मौका दिया है ना, अब तो खुलकर बोलना ही पड़ेगा बच्ची। Yeah!
मैं जानता था कि तुम आओगे और तुम्हारा यह खेल भी जानता था, पर इसमें क्या परेशानी है बताऊं? ये तुम्हारी कॉर्पोरेट की दुनिया नहीं, राजनीति है। यहाँ पर पैसा पावर कुछ काम नहीं आता, सड़क पे सोना पड़ता है। सड़क पे सोके आसमान देखना और आसमान देखते हुए तारे गिनकर रात गुजारनी पड़ती है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। मैंने जिन चार लोगों को काम पर लगाया है ना, उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी हिफाजत करूंगा एक भाई की तरह, और इसके बच्चे की परवरिश भी। आज के बाद ये दोनों सड़क पर नहीं रहेंगे, शानदार महल में रहेंगे। गफूर साहब, पता है नेता लोग सफेद कपड़े क्यों पहना करते हैं? मित्र शत्रु बने तो पहचान सके, शत्रु मित्र बने तो पहचान सके, इसलिए आप मुझे पहचानिए। वैसे मेरे कपड़े काले हैं, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? सारे रास्ते बंद हो चुके हैं मेरे प्यारे गफूर साहब। एक बहुत बड़ी जंग खत्म हुई है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अगर कोई सवाल है तो जवाब भी होगा। इस काले कपड़े के अंदर एक सफेद इंसान है, और मुझे अभी उस आदमी से मिलना है जो भीड़ से दूर, शोर शराबे से दूर, बहुत सालों से अकेला है, अपने परिवार से दूर अकेला जिंदगी बिता रहा है, बिल्कुल अकेला। और हाँ, वो मुझे एक सम्मान देने के बारे में सोच रहा है। हम दोनों को साथ रह के इस राजनीतिक जंगल में पार्टी को मजबूती से खड़ा रखना है, पूरे सम्मान के साथ। मैंने मुख्यमंत्री के लिए तेरे पिता का बहिष्कार किया था, पर तूने हासिल कर लिया। आई कैन लाइक द स्वीटनेस ऑफ द रिवेंज। अब तुम इसी जोश के साथ अपने पद को संभालोगे। मैं बस तुमसे इतनी ही उम्मीद रखता हूं, उस कुर्सी पर बैठकर तुम कैसी भी मनमानी कर सकते हो, कैसी भी। आज इंडिया के इस राज्य में तुम ही हो जो इस राज्य को एक सेकुलर राज्य बना सकते हो। मैंने पिछले 10 सालों में अगर कोई उम्मीद या कुछ पाने की इच्छा रखी तो वो सिर्फ ये थी कि मजहब के नाम पे इंसानियत को मिटाया ना जाए। और सुनो डेविड, बस इसी विचारधारा को तुम्हें आगे लेकर जाना होगा। मैं ये बात दोस्त की हैसियत से नहीं बोल रहा, बल्कि एक राजनैतिक शत्रु की हैसियत से बोल रहा हूं। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा। इसे रख लो। तुम्हारा नाम क्या है? अरे इधर तो आओ, मेरे पास चुपचाप चले आओ। अगर अपना भला चाहते हो तो नाम मत लो। ठीक है सर, पर साउंड का थोड़ा। कोई बात नहीं, गफूर और उसके सपोर्टर्स को फंसाने के लिए तुम्हारे पास कई रास्ते हैं, यह मैं जानता हूं। लेकिन यह एक विजुअल एविडेंस है, एक कॉपी मेरे पास है,
इसकी जरूरत पहले किसे पड़ेगी कोई नहीं जानता। थैंक्स, इसके लिए नहीं। तो फिर किसी को जरा भी खबर नहीं हुई कि आप मेरे साथ हैं और आपने मुझे धोखा भी नहीं दिया, यही आपकी खूबी है। लाल सलाम कैप्टन। लाल सलाम।